दोस्तों नमस्कार। आपने भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को आपने देखा होगा कि साइकिल पे आते हैं, BMW का सपना दिखा के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है साइकिल भी उसका नहीं था। या फिर बहुत सारे आजकल वीडियो बन रहे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे फनी वीडियो बनाते हैं या फिर रील्स बनाते हैं, आज वो सारे लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों एक हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया एक लीडर हैं जिन्होंने कई लोगों को फंसाया है, तो चलिए उनकी जबानी सुनते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को फंसाया और फंसाने के बाद क्या हुआ। तो चलिए सीधा वीडियो प्ले करते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हुए, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के सीनियर्स आते हैं और वो बड़े ये इनका वीडियो सुनिएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने भी ऐसा वीडियो देखा है क्या, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का खूब मजाक उड़ाया जाता है कि ये लोग सपने दिखाते हैं और फिर वो एक साइकिल चलाता हुआ आदमी दिखता है, BMW के साइकिल चलाता हुआ है। तो पता नहीं, मुझे लगा यार ये लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तुमको कुछ दिखाया जाए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत काम का वीडियो होगा। ऐसे ही जैसे वहां पे दिखाया गया नेटवर्क मार्केटिंग के झूठे सीनियर जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सच्चाई में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही सपने दिखा दिखा के लोगों को बर्बाद किया जाता है। तो मैं आज आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने मजा आने वाला है पूरा वीडियो। झूठा सपना दिखाया था BMW लेने के लिए और झूठा सपना दिखाया, इंजीनियर थे, अपनी इंजीनियरिंग करते थे। आज उनकी पहचान लाखों लोगों के बीच में है और वो कंगाल नहीं हुए, बेकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीरियस वे पे, एथिकल वे पे बिजनेस करते हुए काम किया। और इनको आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं मिस्टर रत्नेश तिवारी, जो इंजीनियरिंग करते हुए बिजनेस स्टार्ट किए। आज ये 70 लाख की BMW यहाँ पे खड़ी है। भैया साइकिल नहीं है, ये BMW है। नंबर दिखा दे भाई, नंबर, ये नंबर नोट कर लो और RTO ऑफिस में जाके पता कर लेना कि ये इनकी है कि नहीं है। नहीं। ये जो मजाक उड़ाते हो ना तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के झूठे सीनियर, ये आओ दिखाता हूँ। और दूसरा, जब इनको मैंने फंसाया तो इन्होंने भी किसी को फंसाया, तो आओ दिखाता हूँ इन्होंने किसको फंसाया। हंसने फंसाने का बिजनेस देखो। रमेश ने फंसाया एक DK नाम के आदमी को जो 800 रुपए की जॉब करते थे उस टाइम पे। भाई इन्होंने भी फंसाया, झूठा सपना दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग का, तो झूठा सपना दिखा करके इन्होंने फंसाया और इन्होंने फंसाने का धंधा चल रहा है। 6 साल मेहनत की और उसके बाद आज इनकी आमदनी वाकई में लाखों में है। और साथ में इन्होंने ये देखिए मर्सिडीज गाड़ी ली हुई है। नंबर दिखा दे भाई, नंबर दिखा दे, नंबर देख लो, नंबर देख लो। ये तुम लोग चेक कर लेना, स्कैनिंग कर लेना, फिर इस पे एक और वीडियो बना लेना झूठा वाला। इधर आओ, इधर आओ। ये है के नरवरे जो आज लाखों रुपए की कमाई वाकई में करते हैं, कंगाल नहीं हुए, चाय के ठेले में नहीं खड़े हम लोग, अंदर प्रोग्राम होने वाला उस पे जा रहे हैं। फिर अब हमने इनको फंसाया, इन्होंने इनको फंसाया, भी किसी को फंसाया, वापस झूठा सपना दिखाया, वापस झूठा सपना दिखाने फंसाए। बड़ी गाड़ी आ गई, इसके जो खरीदने वाले राजेंद्र दिगर से हैं वो स्टेज में है इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। नंबर तुम लोग नोट कर लो, चेक कर लेना। और DK नरवरे ने ही अपने एक और आदमी को फंसाया और ये है भगवान, कितने को फंसाए भाई, है ना। और इनकी गाड़ी है ये BMW, ठीक है। और ये सिर्फ अभी हमारा एक प्रोग्राम है, छोटा सा यहाँ पे अंदर प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और इसके अलावा करीबन 300 से ज्यादा गाड़ियाँ लोग अपनी माई लाइफ स्टाइल बिजनेस से खरीद चुके हैं, बहुत सारी सक्सेस हम लोग ले चुके हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जब ये झूठे सपने दिखाने वालों के वीडियो को वायरल करते हो ना, तो इस वीडियो को भी इतना वायरल करो जिससे इन लोगों को जवाब मिले कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ झूठे सपने दिखाने का धंधा नहीं है, ये वाकई में एक बिजनेस है और यहाँ लोगों की जिंदगी वाकई में बदलती है। शेयर करिए इस वीडियो को अगर आप एक सीरियस नेटवर्क मार्केटर हैं, ईमानदार नेटवर्क मार्केटर हैं। बाकी जो झोलझाल कंपनियां हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं जहां पे सीरियस नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और सुनो ये मजाक उड़ाने वालों, पहले सच्चाई को जान लिया करो। जिंदगी जितना तुम समय ये वीडियो बनाने में देते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक, उतना समय अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में दे दो तुम्हारी भी BMW ऑडी मर्सिडीज आ सकती है, और नहीं भी आई तो भी तुम्हारी जिंदगी तो बेहतर बन सकती है किसी भी और काम की तुलना में, समझे। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक सीनियर लीडर जो जिसको लोग मजाक उड़ाते हैं, आज उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये बात हकीकत है। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो गूगल पे आप कर सकते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। हम विदेशी
विदेश की जो हर प्रोडक्ट होती है ना, उसकी हर चीज़ को कॉपी करते हैं। हर चीज़ हमें विदेशी चाहिए, इवन यहाँ तक कि हम अंग्रेजी भी विदेशी बोलते हैं, यानी कि विदेश की भाषा है अंग्रेजी और उसको भी हम बोलते हैं। लेकिन जो आज बाहर के लोग अगर आप देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग काम करते हैं, और अगर हाउस वाइफ की बात करो तो ऐसे हर घर से एक हाउस वाइफ होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग को काम करते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी बाहर से ही इंडिया में आया हुआ है, इंडिया में शुरुआत नहीं हुई थी, बाहर की ही कंपनी थी जो इंडिया में लॉन्च करी थी। लेकिन दोस्तों आज हमारी भारत की ये दुर्भाग्य है कि जहाँ से लोग पैसे कमा सकते हैं लोग उसका ही मजाक उड़ाते हैं, या फिर जहाँ से हम अच्छा काम कर सकते हैं उसका ही लोग मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, अदर सेक्टर में भी देखता हूँ कि जहाँ पे लोग अच्छा कर सकते हैं उसी का लोग मजाक उड़ाते हैं, और वो वीडियो भी चलती है बढ़िया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी इस सर ने भी एक बात कही और मैं भी कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे रातों रात सपने दिखाती है कि आप महीने दिन में या रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, और वहाँ पे पैसे डूबते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पे खुद का कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा होता तो आज हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करता, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आपने जो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो वो भाया भाया होके आता है, और जब भाया भाया होके आता है तो हर इंसान कहीं ना कहीं बीच वाले जो बिचौलिए होते हैं वो पैसा कमाते हैं, और वही चीज़ है जो बढ़ते बढ़ते जो उसका कीमत होता है वो कहीं ना कहीं 40-50% बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे यह डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि कंपनी से आपने सामान खरीदा डायरेक्ट, आपका बीच में बिचौलिया नहीं है, आपको भी उतने ही का प्रोडक्ट मिलेगा जितना कि आपको बाहर मिल रहा था। लेकिन जो बीच का जो पैसा है, जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट और जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा होती थी, वही बीच का पैसा यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, और जो प्लान के अकॉर्डिंग जो बिजनेस करता है उसको वो पैसा मिलता है। हर आदमी यहाँ भी सक्सेस नहीं होता है, सिर्फ हम सोचेंगे कि ज्वाइन करके और हम छोड़ दें पैसा कमा लें तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, अगर सिस्टम के साथ चलते हो तो आपको पैसा मिलता है, और जो लोग सिस्टम के साथ चले हैं उनको पैसा मिल रहा है, जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं वो उनको पैसा नहीं मिलता है, और जो जितना करता है उतना मिलता है। अगर मेरी बात करो तो मैं भी 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग 3-4 साल से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, हमको तो सीखने में 6 महीना लग गया। और उसके बाद फिर जब हम 6 महीने के बाद पैसे कमाने के कदार पे आए तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पता चला, क्योंकि हम जब 6 महीना एक कंपनी में दिए तो हमें बाहर की दुनिया पता ही नहीं थी कि बाहर की दुनिया क्या है। जब बाहर निकले तो पता चला अरे बहुत सारी कंपनियां हैं और अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्लान है। तो आप उस प्लान को आप देखें कि किस प्लान में आप सेट हो सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने 10,000 लगा दिया, हमें कोई बोला 10,000 लगा दो, आप 2 महीने के बाद दो लोगों को लेके आओ आपको 5,000 का इनकम आ जाएगा, वो दो लोगों को लेके आएंगे 10,000 का इनकम आ जाएगा, तो ऐसे प्लान में आप जाओगे। अभी बीच में देखो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं, ट्रेडिंग के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन भाई पैसा गेम के नाम पे चल रहे हैं। लेकिन पैसा आप वहीं पे कमा सकते हो जहाँ पे आपको पैसा कमाने के लिए आपने नॉलेज गेन किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना सीखे आप पैसा कमा लोगे, नहीं कमा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।